अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके इस्लामाबाद की एक और खूबसूरत जगह का नज़ारा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले हम लोग घर से निकल गए क्योंकि अभी 14 अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी वही वाली लाइटिंग लगी हुई है हर जगह पे। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़ारा है यहाँ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्यारा करके अरेंज किया हुआ था लाइटों को, और लाइटें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी, और इस जगह की एंट्रेंस ही काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। आप लोग देख सकते हो इन्होंने फूलों पर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लाइटिंग की हुई थी। जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए तो सामने ही भाई साहब फाउंटेन लगा हुआ था, और ये इतना प्यारा लग रहा था, और इस जगह की खूबसूरती में ना चार चांद लगा रहा। अचानक से मेरी नज़र एक छात्र पड़ी कि जहाँ पे जैसे शादियों में लाइटें नहीं लगी होती, वैसे इतनी प्यारी उन्होंने लाइटिंग की हुई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसी के साथ ये एक जगह थी जिसे उन्होंने फुल 14 अगस्त वाले उस सीन में फुल तब्दील किया हुआ था। ये देखो दरमियान में चांद सितारा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और यहाँ से रात का नज़ारा कुछ इस तरह था। आप लोग सामने देख सकते हो सही ज़्यादा लाइटें हो भाई साहब, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू। और फिर हमने बैठने के लिए जगह तलाश की, और ये आप लोग देख सकते हो सही प्यारी जगह भाई साहब बैठने के लिए। इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोई स्टैचू भी लगा रखा था, और ये सच में भाई साहब काफ़ी प्यारा लग रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करी थी वो था ये फाउंटेन, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और इसको आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा था ना ये दूर से। उसके बाद हम थोड़ा सा और आ गया तो यहाँ पर भाई साहब और ज़्यादा प्यारे प्यारे स्टैचू लगे हुए थे। ये आप लोग देखो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। फिर हम दूसरी साइड पे गए जहाँ पे फिशरी थी, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी आप लोग देख सकते हो। दिल करता था बस बंदे इन मछलियों को देखते रहे भाई साहब। ये जब आगे पीछे होती थी ना, ये देखो ना, अब ये वो सामने वो जा रही है, इतनी प्यारी लग रही थी ना ये। और यहाँ पे तो मेरे कैमरामैन की पूरी फैमिली ये वाला स्टैचू देख के तो मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना कैमरे में, फिर भी इतना ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा। उसी के साथ ये वाला स्टैचू भी लगा खड़ा था, और ये भी काफी प्यारा लग रहा था। चलते फिरते हमें लग गई भूख, तो हमने कहा यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। साथ साथ खाना और साथ साथ ऐसा व्यू, यहाँ पे एक और भी फाउंटेन लगा हुआ था, और ये भी काफी प्यारा था। यहाँ पे मुझे एक और स्टैचू नजर आया जो कि एक लड़का सा था और गिटार बजा रहा था, ये भी काफी प्यारा लग रहा था। काफी ज्यादा घूमने के बाद फिर हमने कहा कि अब हम घर चलते हैं, और फिर हम वापस अपनी पार्किंग वाली साइड पे आ गए जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और यहाँ से इस्लामाबाद का कुछ ऐसा व्यू आ रहा था, आप लोग देख सकते हो। जैसे हमने अपनी गाड़ी निकाली और हम निकल पड़े घर। घर जाते हैं हमारे रास्ते में बहुत सारे प्यारे प्यारे नजारे आए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।